कैम्प प्रोफाइल में आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा के अलावा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी स्टडी करना है फॉलोअर के मोशन के लिए, तो इसमें भी वही सेम तरीका रहेगा, मेथड रहेगा। पहले 360 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें वही 30 डिग्री को 1 सेंटीमीटर का स्केल है जूम करके, और दी हुई वैल्यूज के अकॉर्डिंग उनके डिविजन्स करेंगे, और आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक के 6 इक्वल इवन डिविजन्स हो गए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डायरेक्टली मिला दिया करते थे, इसमें डायरेक्टली नहीं मिलाना है। इसमें क्या करेंगे, जो इन 6 डिवीजन के मिडिल लाइन होगी, हालांकि इन्होंने 8 डिवीजन्स लिए हैं, मेथड सेम है, जो इवन डिवीजन्स लेंगे आप उनकी जो सेंटर लाइन होगी उस सेंटर लाइन के भी उतने ही डिवीजन करने हैं। जैसे यहाँ 8 है तो इसके भी 8 करेंगे, अदरवाइज आप 6 ही लें और इसके भी 6 डिवीजन ही कर रहे हैं, और 6 डिवीजन करने के बाद फर्स्ट 3 को इस कॉर्नर से मिलाएंगे और ऊपर के 3 से को इस कॉर्नर से मिलाएंगे। इससे पिछले न्यूमेरिकल में उन्होंने 6 डिवीजन पर किया है, पहले उसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम देखते हैं। जैसे ये तो उन्होंने 6 डिवीजन किए, इस लाइन का भी 6 डिवीजन किया, फर्स्ट 3 को ए बी सी को इस कॉर्नर से मिलाया, ऊपर के 3 को इस डिवीजन इस जी पॉइंट से मिलाया। अब पहली वाली लाइन, पहली वर्टिकल लाइन को जहां कट कर रही है वो पॉइंट हो गया ये, दूसरी वाली लाइन दूसरे वाले पॉइंट को कहां कट कर रही है ये, तीसरी लाइन कहां कट कर रही है यहां, फोर्थ लाइन इसकी फोर्थ लाइन को कट कर रही है यहां, फिफ्थ लाइन इसकी फिफ्थ लाइन को कट कर रही है यहां। इन पॉइंट्स को मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे तकरीबन एस शेप लेगा कुछ लाइन टाइप से, तो जो डायग्राम बनेगा वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन ऑफ फॉलोअर। अब वहां पर जो डिस्टेंस हम कट करेंगे वो ध्यान रहे, अब 0 to 8 तो वहीं रहेगा, खैर 1 to B तक का हो गया यहां से यहां, 2 to C तक का डिस्टेंस यहां से यहां तक, 3 to D से यहां, 4 to E, 5 to F, 6 to G, वैसे ही 0-H, 1-J, K-2-K, 3-L, M, N, like that। ठीक है, याद रहेगा आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक के 6-6 डिवीजन किए, उसके बाद सेंटर वाला जो डिवाइडर आएगा उसके भी उतने ही इवन नंबर ऑफ डिवीजन करेंगे, और उन डिवीजन्स के हाफ एक कॉर्नर से और बाकी हाफ दूसरे कॉर्नर से मिलाएंगे, और फिर रेस्पेक्टिव एंगुलर लाइन और वर्टिकल लाइन के जो मीटिंग पॉइंट आएंगे उन्हें नेमिंग के साथ मिला देंगे, जो तकरीबन एस शेप से बनेगा, और वो डायग्राम होगा आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैम्प प्रो उसका फॉलोअर का फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लास्ट वाले न्यूमेरिकल में हमने देखा था फॉलोअर नाइफ एज फॉलोअर, यहां हम देखेंगे रोलर फॉलोअर। रोलर फॉलोअर में क्या होगा डिफरेंस, इसकी जगह इस वाले न्यूमेरिकल में ज्यादा क्लियर है। पहले बेस सर्किल का रेडियस खींचा, बेस सर्किल का रेडियस खींचने के बाद अगर आपका रोलर फॉलोअर कैम के सेंटर से पास हो रहा है तो वर्टिकली ऊपर दिखाया लाइन ड्रॉ की, और मेजरमेंट के साथ आपको बोलेगा कि जो रोलर फॉलोअर है उसमें रोलर की रेडियस कितनी है, तो जो रोलर की रेडियस दे रखी होगी उस रेडियस का सेंटर सर्किल बनाएंगे इस तरीके से कि वो बेस सर्किल को टच करे, सिर्फ नाप लेंगे यहां से इतनी रेडियस एक्सटेंड कर लेंगे और बना देंगे, उसके बाद उतनी रेडियस ऐड करके एक और सर्किल ड्रॉ करेंगे जो बेस सर्किल में रोलर रेडियस को ऐड करके बनेगा, जिसे कहते हैं प्राइम सर्किल।
पहले जो डिवीजन हो रहे थे नाइफ एज फॉलोअर के केस में, उनमें उन पॉइंट्स को 0, 1, 2, 3 जो पॉइंट्स थे वो आप पॉइंट्स देते थे बेस सर्किल पर, लेकिन रोलर फॉलोअर के केस में आप वो नेमिंग करेंगे प्राइम सर्किल के ऊपर। इसको बेस मान के 60 डिग्री का डिवीजन था, 6 डिवीजन किए उसके, फिर 20 डिग्री का ड्वेल था, कुछ नहीं रहेगा, फिर नेक्स्ट 60 डिग्री का रिटर्न था, उसके भी 6 डिवीजन किए, और उनकी जो नेमिंग थी 0, 1, 2, 6, 0-2, 6 डैश, ये नेमिंग आपको बेस सर्किल पर नहीं प्राइम सर्किल पर करनी है। उसके बाद फिर उन पॉइंट से वही डिस्टेंस नापेंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से, 1 से B तक का, 2 से C तक का, 3 से D तक का, 4 to E कट कर लिए कंपास से, और पॉइंट्स आ गए आपके पास, अब A, B, C, D ये सारे पॉइंट्स आ गए। इन सारे पॉइंट्स को सेंटर मान के आपको रोलर ड्रॉ करने हैं। जैसे पहला पॉइंट ए था तो उसको तो रोलर सेंटर मान के रोलर आप पहले ड्रॉ कर चुके हैं, आगे बी पॉइंट को सेंटर मान के रोलर ड्रॉ करेंगे उतने ही साइज का, फिर सी पॉइंट को सेंटर मान के ड्रॉ करेंगे, डी को सेंटर मान के, इसी तरह से जो भी A, B, C, D पॉइंट्स ऊपर आए हैं उन सब को सेंटर मान के रोलर की को ड्रॉ करेंगे। ये रोलर के जो सर्किल आएंगे ये आपस में कट भी कर सकते हैं और हो सकता है कट ना भी करें, तो ये हर एक पॉइंट पर आपको रोलर ड्रॉ करने होंगे उन पॉइंट्स को सेंटर मान के। उसके बाद बेस सर्किल से आप ड्रॉ करेंगे कैम प्रोफाइल, जो इस तरीके से होगा। तो इन पॉइंट्स को सेंटर मान के आपने रोलर खींच दिए, अब कैम प्रोफाइल बनाने के लिए नीचे बेस सर्किल से स्टार्ट करेंगे लाइन, जो इन सभी सर्किल को सिर्फ टच करते हुए निकलेगी। सभी सर्किल को टच करते हुए जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो जो कर्व बनेगा वही आपका होगा कैम प्रोफाइल। तो नाइफ एज फॉलोअर के केस में दो बातें खास तौर से ध्यान रखनी है कि जो पॉइंट्स की नेमिंग होनी है वो बेस सर्किल पे नहीं प्राइम सर्किल पर होनी है। नेमिंग के बाद जो पॉइंट्स आएंगे कट करके डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से, उन पॉइंट्स पर रोलर बनेगा। रोलर को उन पॉइंट्स को सेंटर मान के रोलर बनाना है, और रोलर बनाने के बाद आपको ड्रॉ करना है बेस सर्किल से प्रोफाइल को, जो उन रोलर्स को टच करते हुए निकलेगा। ये तो तब था जब आपका फॉलोअर कैम शाफ्ट के सेंटर से पास होता है, और अगर ऑफसेट होता है तो उस सिचुएशन में फिर से वही काम होगा कि जो ऑफसेट सर्किल है उस उतना ऑफसेट सर्किल ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन लेंगे और उस वर्टिकल लाइन पर रोलर बनाएंगे इस तरीके से जो बेस सर्किल को टच करेगा। उसके बाद उस रोलर की रेडियस को ऐड करके एक और सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसे कहेंगे प्राइम सर्किल, फिर से इसे रेफरेंस मानेंगे, और जो आउट स्ट्रोक दे रखे होंगे ड्वेल, रिटर्न स्ट्रोक दे रखे होंगे, उतने आपको एंगुलर डिवीजन करने हैं। जैसे कि यहाँ रिटर्न आउट स्ट्रोक दे रखा है 120 डिग्री, तो इस लाइन को रेफरेंस मान के आपने 120 डिग्री ड्रॉ किया है, और फिर 120 डिग्री के डिविजन्स कर लिए 6 या 8। डिवीजन करने के बाद जो पॉइंट देंगे हम, ध्यान रहे, प्राइम सर्किल पे देंगे ना कि बेस सर्किल पे, और प्राइम सर्किल पे पॉइंट्स देने के बाद उन पॉइंट्स को टेंजेंटली ड्रॉ करेंगे ऑफसेट सर्किल पर, और वही टेंजेंट को फर्दर एक्सटेंड कर देंगे, फिर पॉइंट्स को कट करेंगे 1 से B तक, 2 से C, 3 से D लाइक दैट, ताकि आपको ABCD पॉइंट्स मिल सके, और उन पॉइंट्स को मिलने के बाद
उनको सेंटर मान के रोलर ड्रॉ करना है, और रोलर ड्रॉ करने के बाद बेस सर्किल से ही प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करेंगे जो आपके उन रोलर को टच करते हुए निकलेगा, और तब जो प्रोफाइल बनेगा वो आपका कहलाएगा कैम प्रोफाइल। आमतौर पर रोलर जो बनाना होगा उसकी रेडियस इतनी कम होगी कि कंपास में प्रॉपरली बनाना और घुमाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आमतौर पर एक मास्टर प्रोटेक्टर आता है जो गोल होता है जिसके अंदर बहुत सारी रेडियस का सर्किल कटे होते हैं, वो थोड़ा इजी और यूजफुल रहेगा, टाइम सेविंग रहेगा। अगर हो आपके पास तो आप उससे ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आसान है, थोड़ा सेंटर को जज करना पड़ेगा उसमें, लेकिन जल्दी ड्रॉ कर सकते हैं मास्टर सर्किल के हेल्प से। तो ये कैम प्रोफाइल के तरीके हैं, दो ही आपके पॉसिबल थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए सिलेबस के हिसाब से, इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट डायग्राम और नाइफ एज फॉलोअर रोलर फॉलोअर के लिए कैम प्रोफाइल बनाना हमने देख लिया दोनों केस में, जब फॉलोअर कैम शाफ्ट के एक्सिस के पास हो और जब फॉलोअर कैम शाफ्ट के एक्सिस से पास ना होके एक सर्टेन डिस्टेंस से ऑफसेट हो। ज्योमेट्री से बनाने के लिए प्रैक्टिस ही चाहिए, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो वहाँ जाके बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि किधर लाइन ड्रॉ करें, कितने एंगल कहाँ से मेजर करना है, क्या डिवीजन करना है। स्टेप्स भी हालांकि मैंने बता दिए हैं, फिर भी आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें। ओके, थैंक यू।